जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी मित्रों का, भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी, शास्त्री, राजगढ़ झांसी। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि वाले, आपको आज के दिन कहीं आप अन्य प्रदेश या विदेश की यात्रा का संयोग बन रहा है। यदि आप राजनीतिक जैसे क्षेत्रों में मुद्दा रखते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो आपके लिए विजय प्राप्ति के भी संकेत बन सकते हैं। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वालों के लिए आपको आज के दिन, यदि आप व्यापारी हैं या व्यापार करते हैं या क्रय विक्रय करते हैं, तो आपके लिए आज का दिन विशेष शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन मानसिक तनाव, बेचैनी, किसी बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन, यदि आप किसी पद पर अथवा किसी राजनेता के पद पर प्रतिष्ठित थे, तो नए पद की प्राप्ति भी बन सकती है। पांचवी राशि है सिंह। सिंह राशि वालों को भाग्य का उदय होगा, नए पद की प्राप्ति भी बन सकती है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए आपको आज के दिन एक ऐसा संयोग बनेगा जो आप भूमि, जमीन, प्लॉटिंग का क्रय विक्रय करते हैं, तो श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आपको आज के दिन कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों पर विजय प्राप्त होगी। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को, यदि आप मशीनरी, फैक्ट्री, कंक्रीट आदि का उद्योग धंधा करते हैं, तो आपको आज कोई उतार चढ़ाव का योग बन सकता है। नवम राशि धनु। धनु राशि वालों को विद्या अध्ययन, सरकारी, राजनीतिक क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होगी। दशम राशि है मकर। मकर राशि वालों को आपको आज के दिन किसी मंत्री पद पर, विधायक, पार्षद पद पर हैं, आप किसी कार्य में हाथ डालेंगे, तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम रहेगा। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको आज के दिन अटका हुआ व्यापार, अटका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को परिवार से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, शत्रु परास्त होंगे, मित्रों से सहयोग प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।